इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरने पर सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार न करें, अदालत का हुक्म। सुलेमान शहबाज हिफाजती जमानत के लिए अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की, समाअत मंगल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरतेहाल समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला, 3 अज़ला मीरपुर कोटी और भिम्बर में पोलिंग जारी। 12,39,184 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़म सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई सेनेटर के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात को कलदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। सिंध पुलिस को मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोकने की इस्तदा। आज़म सवाती के बेटे ने वालिद के खिलाफ सूबे में दर्ज मुकदमात को चैलेंज किया। पंजाब में धुंध की वजह से बंद मोटरवे खुलने लगी। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया। M2 को भी खानका डोगरा से शेखपुरा तक खोल दिया गया। M3, M4 और M5 ताहाल बंद हैं। और इस्लामाबाद के H9 पार्क में कायम इतवार बाजार में खौफनाक आतिशबाजी, 300 से ज्यादा स्टॉल्स जलकर राख, करोड़ों रुपए का नुकसान। रावलपिंडी की फायर ब्रिगेड भी बुलाना पड़ी। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। आग सोलर पैनल के साथ लगी बैटरी में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।